Hi friends, welcome to IBPS guide. Friends, in this video I will be going to discuss a question which is based on machine input output. So इस type के questions में क्या होता है कि जब elements हमारे left से भी और right से भी arrange होते हैं तो थोड़ा सा time taking question होता हो जाता है. ठीक है, तो logic क्या है वो आप खुद से build up करना है, कैसे जब आप 100-150 question लगा लोगे, पर जो method होगा वो आपको इस video में सीखना है. तो दो set of question है, एक सेट ऑफ क्वेश्चन में मैं आपको मेथड बता दूंगा, उसके बाद सेकंड में आपको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वी आर गिविंग द ऑफर एट जस्ट ₹525 यू विल गेट अ मॉक टेस्ट फॉर ऑल बैंकिंग एज वेल एज एसएससी एंड रेलवे एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स विद 1 ईयर वैलिडिटी. फॉर मोर डिटेल्स जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा. फ्रेंड्स देखो, जब भी इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता है तो कुछ इस तरीके से पूरा स्टेप वन स्टेप टू स्टेप फाइव करके मुझे दे दिया जाता है कि आप लॉजिक पहले क्रैक कर लो, फिर उसी लॉजिक पे बेस्ड आपको ये वाला क्वेश्चन करना है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनपुट लिखते हैं, फिर स्टेप वन, फिर स्टेप टू, स्टेप थ्री करके लिख देते हैं. पर मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, एक सिम्बॉलिक नोटेशन में किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो बताऊँगा. अब देखो फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बता दूँ, उसके बाद मैं मेथड बताऊंगा. लॉजिक नंबर के साथ ये हुआ गया है कि जो नंबर इवन है उनको ऑपरेशन किया गया उनके ऊपर प्लस टू का, और जो ऑड है उन पे माइनस टू का. ओके, तो देखो नंबर्स को सबसे पहले अरेंज किया गया यहाँ पे, ये देखो, और जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे अरेंज कर दिया गया राइट हैंड साइड में. तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, ये राइट हैंड साइड में हो गया, इतना मुझे दिख रहा है लास्ट स्टेप से. उसके बाद जो वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से अरेंज किया गया है, जो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वॉवल्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वॉवल्स, ये जो वर्ड है इन पे नंबर ऑफ वॉवल्स के ऊपर बेस्ड किया गया है अरेंज. तो देखो सबसे छोटा जो नंबर है उसको पहले पिकअप किया 24 और यहाँ लिख दिया 26 के फॉर्म में. क्यों? क्योंकि मैंने बताया क्योंकि इवन है तो प्लस टू हो जाएगा. तो मैंने इसको आर, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट है ना, लेफ्ट में तो एल वन दे दिया. सर ये वन क्या डिनोट कर रहा है, ये वन जो डिनोट कर रहा है वो स्टेप्स कर रहा है कि ये कौन सा स्टेप है एल वन. तो कुछ राइट में भी किया होगा, ये देखो ये वाला पी ई आर यहाँ आके यहाँ आ गया. तो आर वन मैं इसको नाम दे देता हूँ. क्यों इसको उठाया गया, क्योंकि सर इसमें नंबर ऑफ वॉवल्स जो थे वो वन थे. उसके बाद अब कौन सा मैं वर्ड उठाऊंगा जिसमें नंबर ऑफ वॉवल्स टू होंगे, ठीक है. और 24 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 38 है. 38 क्या है, एक इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर में प्लस टू कर देंगे. तो इसको मैंने लिया, ये लेफ्ट में अरेंज होगा, तो इसको मैंने दिया एल टू. और नंबर ऑफ वॉवल्स अब किस में दो हैं, डस्टर में, तो इसको मैंने दिया आर टू. इस तरीके से किया. सर ये तो आप ऐसे करते हुए चल रहे हो, पर इनके बीच में भी कुछ ना कुछ आने वाले हैं. क्या बीच में, मतलब कि एल वन आर वन, तो इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ आएगा. तो इनके बीच में वो आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो नहीं अरेंज हुए हैं. तो किस तरीके से होगा मैं आपको भी बताता हूँ पूरा लिख के. एक बार मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, और नेक्स्ट जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, विजुअलाइज करेंगे. उसके बाद आर वन हो गया, आर टू हो गया, एल वन हो गया, एल टू हो गया. अब एल थ्री पे आएंगे, एल थ्री क्या होगा, इसके बाद मेरा एल थ्री होगा ये, ठीक है, लेफ्ट साइड में 53 माइनस करेंगे, 53 माइनस 2 करेंगे, ठीक, तो 51 आ जाएगा. और अब मेरा क्या होगा, आपका ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3. तो अब मुझे R3 जो होगा वो मेरा कारपेंटर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वॉवल्स में 1, 2, 3, 1, 2 और 3 हो रहे हैं. डस्टर में 2 थे, इसमें 3 हैं. अब जिसमें नंबर ऑफ वॉवल 4 होंगे वो R4 हो जाएगा, ठीक है. अब L3 क्या होगा, सॉरी L3 तो हो गया, L4 मैंने इसको नंबर ये दे दिया, और जो R4 है वो डेवलपर है. तो R4 ये रहा, और R5 ये रहा, और L5 ये रहा. अब ये नंबरिंग मैंने सिंबॉलिक नोटेशंस में कैसे की है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी. ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ना, ये स्टेप्स दिखा रहे हैं. तो लास्ट स्टेप तो मेरा 5 स्टेप था, तो मैंने कर दिया. अब यहाँ पे मैं दे दूँ एक बार L1, यहाँ L2, ये रहा L3, ये L4 और ये रहा L5, ठीक है. अब देखो कैसे अरेंज किया, तो स्टेप वन में L1 ये रहा, R1 ये रहा. तो इनके बीच में क्या आएगा, जो एलिमेंट्स नहीं अरेंज हुए उनको बीच में लिखेंगे हम. अब कौन से नहीं अरेंज हुए, जैसे डेवलपर अरेंज हुआ है, नहीं हुआ है, तो एज इट इज़ जो उसकी ओरिजिनल पोजिशन है वो वैसे ही रहेगा, मतलब R4 आएगा. उसके बाद L5 को अरेंज किया, नहीं किया गया है. L3 को अरेंज, R3 को अरेंज किया, नहीं, तो R3 एज इट इज़ आ जाएगा.
उसके बाद L3 आ जाएगा, उसके बाद देखो R2 आ जाएगा, R2 आएगा क्योंकि अभी R2 भी नहीं अरेंज किया है, R1 किया है केवल। L4 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, L4 आ जाएगा। उसके बाद R1 नहीं लिखूंगा मैं दोबारा, क्योंकि R1 तो ऑलरेडी अरेंज है, तो इसको स्किप करके L1 पे आ जाएंगे, L1 भी ऑलरेडी अरेंज है, इसको स्किप करके R5 पे आ जाएंगे। तो मैं लिखूंगा R5 और उसके बाद मैं लिखूंगा L2। ये मेरा है स्टेप नंबर 1। ये आपको विजुलाइज करना है कि बाकी के एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज अपनी जगह पे रहेंगे। अब मैं बोलूंगा सर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, तो स्टेप नंबर 2 होगा कि आप L1 को शिफ्ट कर दोगे, थोड़ा सा L1 को आप शिफ्ट करोगे, तो L1 के बाद यहाँ आएगा L2, बाकी के साथ क्या होगा एज इट इज रहेगा। मतलब L1 शिफ्ट हो गया, R4 अपनी जगह रहेगा, L5 अपनी जगह रहेगा, R3 अपनी जगह रहेगा, L3, R2 नहीं, R2 को यहाँ नहीं लिखना है, R2 को तो अरेंज करना है, तो इस तरफ हो जाएगा ना ये R1, इस तरीके से कुछ शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, है ना। तो अभी R2 को मत लिखो, L3 के बाद R2 को छोड़ दो, L4 लिखो, L4 लिखो, R5 लिखो, और L2 तो अभी मैंने यहाँ अरेंज किया तो इसको स्किप कर दो, R1 लिखा और उसके बाद यहाँ R2 लिख देंगे। आप समझ में आ गया? तो देखो ये, देखो ये चीज इतनी अरेंज्ड है, ये वाली जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये बाकी के जो रिमेनिंग है जो नहीं अरेंज है वो एज इट इज रहे। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, ऐसे ही होगा, L1 L2 और L3, यहाँ क्या होगा R1 R2 और R3, बाकी का मैं बार बार नहीं लिखूंगा एग्जाम में, मुझे ये दिमाग में होना चाहिए स्टोर की भाई बात बीच में क्या आ रहा है, वो तो मैं आपको लिख के दिखा दिया। अच्छा उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, होगा L1 L2 L3 और L4, ये रहा आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है। R1 R2 R3 R4, फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है कैसा दिखेगा, देखो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जो मैंने यहाँ लिखूंगा, आप देखना कैसा दिखेगा, L1 L2 L3 L4 L5 और R1 R2 R3 R4 R5, बिल्कुल यही है स्टेप नंबर 5। देखो अब यहाँ पे मैच करा देता हूँ, देखो R1 R2 R3 R4 और ये रहा R5, ऐसा ही है, देखो L5 L4 L3 L2 L1 R1 R2 R3 R4 R5, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही लॉजिक आपको कहाँ लगाना है, आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। तो सबसे पहले क्या टास्क है, नेमिंग कर दे, तो नेमिंग जब करेंगे तो सबसे छोटा वाला नंबर ये है तो इसको सबसे पहले लेंगे, तो L1 इसको लेंगे, ठीक है। और L2 क्या होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ वॉवल सबसे कम होंगे, सॉरी R2 ये हो गया, सॉरी R1 नॉट R2 R1, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में L2 और R2 को लिखना है, तो L2 क्या होगा मेरा, यहाँ पे ये हो जाएगा L2, और जो R2 होगा वो मेरा होगा ये। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ना करूँ, मैं ऐसे अरेंज करूँगी तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है, पहले लेफ्ट वाले कर दो फिर राइट वाले कर देना, ये ज़्यादा आसानी रहेगा। तो पहले तो L1 ये रहा, L2 ये रहा, और L3 ये रहा, L4 ये रहा, ठीक, L4 और L5 ये रहा। अब R वाले कर दो, राइट हैंड साइड वाले में कर दो नेमिंग, तो R1 ठीक है, R2 ओके, R2 R2, अब R3 ये रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ वॉवल्स इसमें ज़्यादा हैं, 3 नंबर ऑफ वॉवल्स हैं, देखो 1 2 3, इन दोनों में नंबर ऑफ वॉवल्स तो सेम है पर पहले कौन आएगा, जो डिक्शनरी में सबसे पहले आता है ये करना, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ वॉवल्स सेम है तो डिक्शनरी ऑर्डर पे, फिर नेक्स्ट स्टेप है ना डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले चैंपियनशिप आता है, तो ये मेरा हो जाएगा R4 और ये मेरा हो जाएगा R5। अब मैंने नेमिंग कर दी सर, इसके बाद अब देखो मेथड, देखो ये कह रहा है इन विच फॉलोइंग स्टेप इंटर्नशिप 71 इज सीन इज द सेम सिक्वेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि इंटर्नशिप का क्या है R3 और 71 का क्या है 75, ये दोनों एक साथ कब दिखेंगे, किस स्टेप में दिखेंगे। तो स्टेप 1 स्टेप 2 एक बार लिख लेते हैं किस तरीके से होगा, देखो R1 और R2 ठीक है, बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा 74 आएगा, R4 आएगा,
L2 आएगा, R3 आएगा, और L1 तो मैंने अरेंज कर दिया है, सॉरी यहाँ पे R1 आएगा, ठीक है, R3 अरेंज हो गया, L1 हमने अरेंज कर ही दिया है, यहाँ पे ये L1 आएगा, सॉरी यहाँ पे L1 आएगा, यहाँ पे R1 आएगा, फिर L4, R2, जो एज इट इज लिखे हुए ना सेम एज इट इज लिख दो, R3 के बाद L1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी अरेंज हो गया है, R2 आ जाएगा, L5 आ जाएगा और R5 आ जाएगा और फिर L3 आ जाएगा, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से, ये स्टेप नंबर वन है मेरा। स्टेप नंबर टू में जो होगा वो आएगा L1, L2। स्टेप नंबर वन में जो L1 और L2 लिख देंगे, बाकी के एज इट इज रहेंगे, तो मतलब अभी L4 नहीं अरेंज हुआ है, R4 नहीं हुआ है, L2 हो गया, R3 भी नहीं हुआ था, R2 हो गया है, ठीक है, L5 नहीं हुआ है, R5 नहीं हुआ है, L3 नहीं हुआ है और R1 शिफ्ट होके R2 आ जाएगा, शिफ्ट होगा ना, R1 इस तरफ हो जाएगा, R2 एकदम आएगा, यही मेथड बनेगा। अब देखो R3 और 75, R3 75 मुझे स्टेप नंबर टू में दिख गए, तो मेरा आंसर क्या होगा, इन स्टेप नंबर टू R3 एंड L5 बोथ आर सीन टुगेदर, ठीक है, बोथ आर सीन टुगेदर इन द सेम सीक्वेंस, ठीक है, R3 और 75। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, मैंने नेमिंग की हुई है, हाउ मेनी वर्ड्स आर टू द राइट ऑफ 27 इन स्टेप नंबर फोर। आंखें बंद करो और इमेजिन करो स्टेप नंबर फोर कैसा होगा। स्टेप नंबर फोर कुछ ऐसा होगा कि L1, L2, L3, L4 यहाँ बीच में कुछ होंगे, R1, R2, R3, R4 यहाँ बीच में, वो कुछ कौन लोग होंगे जो नहीं अरेंज हुए हैं। तो R1 अरेंज हो चुका है, L4 अरेंज हो चुका है, R4 भी अरेंज, L2 भी हो गया है, R3 भी हो गया है, L1 भी हो गया है और R2 भी हो गया है, L5 और R5 नहीं हुए हैं, तो बीच में तो L5 पहले आएगा फिर R5 आएगा, यही होगा पूरा अरेंजमेंट स्टेप नंबर फोर का। अब बोल रहे हैं हाउ मेनी वर्ड्स, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, वर्ड को बोला है तो मुझे सिर्फ वर्ड पे फोकस करना है, एलिमेंट पे नहीं, अगर एलिमेंट लिखा होता तो हम मुझे वर्ड प्लस नंबर्स दोनों लेते, अभी यहाँ सिर्फ वर्ड बोला गया है, तो किसके राइट साइड में, 27 के, 27 क्या है, कहाँ से आएगा 27, जब हम 29 से माइनस कर देंगे 2, माइनस कर देंगे 2 क्योंकि लॉजिक तो पता है ना, रिमेंबर ना, लॉजिक पता है, माइनस 2 करेंगे क्योंकि एक इवन ऑड नंबर है, तो L1, L1 को ढूंढो, इससे बोला गया है हाउ मेनी वर्ड्स, तो इसके राइट हैंड साइड में कितने वर्ड आ रहे हैं ये देखो, तो वर्ड्स जो होंगे वो क्या होंगे, R से डिनोट होंगे क्योंकि वर्ड्स को मैंने राइट हैंड साइड में किया है, तो एक नंबर वर्ड, दो, तीन, चार और ये पांच, टोटल 5 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, किसके, 27 के, ठीक है, 27 के, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5, बस ऐसे करना है। अब देखो मैंने कितना स्टेप, मैंने सारे स्टेप लिखे क्या, नहीं, मैंने सिर्फ ये नेमिंग की है और उसके बाद ये तो समझाने के लिए मैंने किया ऐसे, उसके बाद देखो स्टेप क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने पूरी स्टेप्स नहीं लिखे, सिर्फ एक बार नेमिंग की उसके बाद मैंने किया, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। देखो इमेजिन करने की कोशिश करना, बार बार देखने की कोशिश करना कि क्या सर समझा रहे हैं, ठीक है, अभी एक और क्वेश्चंस आएंगे, एक और सेट ऑफ क्वेश्चन आएगा उसमें भी यही मेथड लगाएंगे, तो चलो देखे पहले ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज और आर बिटवीन इंटर्नशिप एंड फ्लिप इन स्टेप नंबर 2। तो भाई डायरेक्ट आप स्टेप नंबर 2 पे पहुंचोगे और कैसे लिखोगे, सिंबॉलिक नोटेशंस में, तो मेरा स्टेप नंबर 2 कैसा होगा, L1, L2 और R1, R2, बचे हुए एलिमेंट्स बीच में आएंगे मेरे, तो बचे हुए कौन से हुए, R1 तो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, L4 नहीं था तो मैंने L4 लिख दिया, R4 भी नहीं था तो मैंने R4 लिख दिया, L2 ऑलरेडी अरेंज है, R3 मैंने नहीं किया था तो R3 मैंने कर दिया, L1 ऑलरेडी अरेंज है, R2 भी ऑलरेडी अरेंज है, ये देखो L5 नहीं था तो मैंने L5 कर दिया और R5 कर दिया, और L3 भी नहीं था क्योंकि स्टेप नंबर 2 पे ही है अभी हम, तो L3 लिख दिया। अब कलर चेंज करके मैं दिखाता हूँ आपको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन इंटर्नशिप एंड फ्लिप। इंटर्नशिप मेरा क्या है, R3, तो ये है R3, और फ्लिप, फ्लिप मेरा क्या है, R1 है, तो ये मेरा R1 है, क्लियर, तो ये आ रहे हैं एलिमेंट्स बीच में इनके, तो इनमें एलिमेंट्स कौन से हैं,
देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में अरेंज किया था उनको तो मैंने नंबर्स दिया था, और राइट हैंड साइड में मैंने जो किया था उनको वर्ड दिया था। तो एक वर्ड और दो नंबर आ रहे हैं। अब जो दो नंबर हैं वो क्या है, एक तो है मेरा 71L5 और एक है मेरा 73, दैट इज 55, ठीक है। और R5 मेरा कॉम्पेनियनशिप है, तो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ऑप्शंस में देखो ये किस में दिया हुआ है, तीनों एक साथ तो किसी में दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में 71L55, ऑप्शन नंबर बी में कॉम्पेनियनशिप है। तो मेरा आंसर है ये दोनों, तो बोथ ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप सबका यही आंसर आया होगा, क्लियर है। तो देखो कितनी जल्दी आ रहा है। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको लॉजिक क्रैक करना है, ठीक है। नहीं कर पा रहे तो मैं लॉजिक बता दूं, नंबर्स जो अरेंज हुए हैं वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से अरेंज किया, मतलब जो सबसे छोटा है उसको पहले लिया, फिर उसके बाद करके शिफ्टिंग की गई है, और जो वर्ड्स हैं उनको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है, नेमिंग करना। नेमिंग किसकी करोगे, L1 L2, इस तरीके से इस क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन को जल्दी से आपको नेमिंग करो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आप अपना आंसर और मेरा आंसर आप मैच कराना कि 24 इसका क्वेश्चन नंबर वन इसका क्या होगा और इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। आपको एक बार नेमिंग कर लेनी है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूसरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं नेमिंग कर देता हूँ, मैंने ये नेमिंग कर दी। कैसे की है, कैसे की है, जैसे मैंने आपको बताया। जाइए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, नंबर्स को अरेंज किया गया है ना। तो ये लेफ्ट साइड है, और यहाँ पे क्या किया गया है, वर्ड्स को अरेंज किया गया, तो क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड है। तो इसी तरीके से इसको अरेंज किया गया है। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड 213 एज दे अपियर इन द लास्ट स्टेप ऑफ द आउटपुट। तो लास्ट स्टेप, अब आपको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा इसके लिए, नहीं आपको डायरेक्ट लास्ट स्टेप लिखना है। लास्ट स्टेप कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, ये आपने लास्ट स्टेप लिख दिया, ये आपने लास्ट स्टेप लिख दिया। अब क्या बोला है, हाउ मेनी एलिमेंट्स बोला है बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड 213। तो स्ट्रॉन्ग कहाँ है, R6 है, R6 कहाँ है, ये रहा, और 213 कौन सा नंबर था ऊपर देखो, 213 L2 L2 ये रहा। तो अब इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्ट कर देना है। नेमिंग की आंसर पे टिक किया, पूरे स्टेप्स नहीं लिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वीडियो को पॉज करो और तुरंत इसका आंसर बताओ, बहुत इजी है। किस स्टेप की बात हो रही है, स्टेप नंबर 4 की बात हो रही है। तो मेरा स्टेप नंबर 4 कैसा दिखना चाहिए, मेरा स्टेप नंबर 4 L1 L2 L3 L4, यहाँ बीच में कुछ एलिमेंट्स होंगे, फिर R1 फिर R2 फिर R3 R4, यहाँ बीच में वो कुछ एलिमेंट का नाम क्या होगा, जो एलिमेंट नहीं अरेंज हुए होंगे वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ L7 आएगा सबसे पहले क्योंकि वो अरेंज नहीं हुआ है, R6 भी आएगा क्योंकि वो अरेंज नहीं हुआ है, R5 आएगा क्योंकि वो अरेंज नहीं हुआ है, L3 हो गया है, L1 हो गया है, R1 भी हो गया, R2 भी, R7 नहीं हुआ है, तो R7 यहाँ आ जाएगा, R3 भी हो गया है। स्टेप नंबर 4 की बात हो रही ना, हाँ स्टेप नंबर 4 है ये, तो यहाँ 4 लिखो ना ऐसे, ठीक है। R7 R3 भी हो गया, L5 नहीं हुआ है, तो L5 यहाँ बीच में आ जाएगा, L2 भी हो गया, R4 भी, L4 भी हो गया, L6 नहीं हुआ है, तो L6 यहाँ आ जाएगा, L6 यहाँ आ जाएगा। अब बोला क्या था, विच एलिमेंट वुड बी द फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द राइट ऑफ 319। 319 कौन सा है, L3 है, L3 कहाँ है, L3 कहाँ है, आपका ये रहा L3, L3 ये रहा। अब इससे फिफ्थ राइट में, फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द राइट, सो 1 2 3 4 5 ये रहा R5, R5 पे कौन है, देखो जरा R5 पे मेरा राइज है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से करना, इंटरचेंजिंग पे है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो इसको, ऑलराइट। देखो क्या बोला है, इन द स्टेप नंबर 6th स्टेप की बात हो रही, तो स्टेप नंबर 6th कैसा होगा मेरा, उसको बनाओ। सबसे पहले तो मैंने किया L1 L2 L3 L4 L5 और L6, यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 और R6, ठीक है।
उसके बाद बीच में क्या होगा, L7 और R7 बीच में आएंगे, पर पहले L7 आएगा कि R7 आएगा वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ कि पहले तो L7 है उसके बाद R7 यहाँ है, तो मैं पहले L7 लिखूंगा फिर R7 लिखूंगा, क्योंकि जो पोजीशंस हैं वो एज इट इज रहेंगी, चेंज नहीं होंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही वो रहेंगे। ये आपने स्टेप नंबर 6 डायरेक्ट लिख दिया। अब इंटरचेंज करो पोजीशन, 611 की पोजीशन करनी है चेंज राइज के साथ, तो 611 क्या है L5 और राइज क्या है R5, तो L5 की जगह यहाँ कौन सी जगह हो गई R5 आ गया, और R5 की जगह कौन आ गया L5 आ गया, दैट्स इट। उसके बाद देखो किसकी पोजीशन चेंज की गई है, लकी की चेंज की गई है 571 से, लकी क्या है R4 और 571 क्या है L4, तो R4 की जगह जाके यहाँ जाके L4 लिख दो और L4 की जगह जाके R4 लिख दो, इतना कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, देन विच एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 989, 989 कौन है L7, L7 ये रहा। अब इसके फिफ्थ राइट में मतलब कि मुझे इस साइड जाना है, तो कौन सा फिफ्थ एलिमेंट होगा, तो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये रहा फिफ्थ, पर फिफ्थ में क्या इंटरचेंज हो चुकी है पोजीशन, तो L4 है, L4 में कौन है 571, तो मेरा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 571। सो आई होप ये मेथड थोड़ा सा अब समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी मेथड पे मैं 2 से 3 वीडियो और लेके आऊँ जल्दी ही SBI PO प्री से पहले, तो ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, सर मुझे ये समझ नहीं आया। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको लॉजिक नहीं बताया, मैंने इस वीडियो में आपको कंसेप्ट बताया है, अप्रोच बताई है, शॉर्टकट मेथड बताया है, जब लेफ्ट और राइट से दोनों तरीके से शिफ्टिंग होती है। इज इट क्लियर? सो टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।